लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भारत नेपाल के बीच रेल लाइन बनकर हुआ तैयार, 15 दिन के भीतर शुरू होगी रेल सेवा। नेपाली रेल ब्रॉडगेज 15 दिनों में भारतीय रेल ब्रॉडगेज से जुड़ेंगे। इसके बाद भारतीय क्षेत्र से ब्लास्ट मालगाड़ी के द्वारा सीधे नेपाल पहुंचेगी, जिससे नेपाली रेल ट्रैक पर ब्लास्ट ले जाने की समस्याएं दूर हो जाएगी। दिल्ली इरकॉन के प्रोजेक्ट निदेशक दीपक सबलोक निरीक्षण के क्रम में अधिकारियों को 15 दिनों में नेपाली ब्रॉडगेज को तत्काल भारतीय ब्रॉडगेज से जोड़ने का निर्देश दिया। प्रोजेक्ट निदेशक दीपक सबलोक जयनगर वर्दीवास रेलखंड के निरीक्षण को लेकर दिल्ली से जयनगर पहुंचे थे। दो फेज में किया निरीक्षण। दिल्ली इरकॉन के प्रोजेक्ट निदेशक दीपक सबलोक जयनगर वर्दीवास रेलखंड को दो फेज में निरीक्षण किया। पहला फेज में उन्होंने जयनगर से बिजलपुरा तक निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने जयनगर, खजुली, महेनाथपुर, बेदही, परवाहा, कुर्था, जनकपुर समेत अन्य जगहों पर बारीकी से निरीक्षण किया। जनकपुर में नेपाली अधिकारियों के साथ की बैठक निरीक्षण के बाद सब लोग ने नेपाल के जनकपुर में वहां के अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक किया। बैठक में नेपाली अधिकारियों को स्टेशन एवं भवनों में जल्द बिजली कनेक्शन लगवाने की बात कही गई। साथ ही जयनगर वर्दीवास रेलखंड से संबंधित कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। दिल्ली इरकॉन के प्रोजेक्ट निदेशक दीपक सबलोक का 6 महीने में यह दूसरा दौरा है। इससे पूर्व वे 13 दिसंबर 2017 में जयनगर पहुंचकर जयनगर वर्दीवास रेलखंड का निरीक्षण किया था। जैसे जैसे इन रेलखंड पर रेल सेवा शुरू होने का दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अधिकारियों का दौरा तेज होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच रेल परिचालन शुरू होने में मात्र 5 महीने शेष रह गए हैं। अक्टूबर में दोनों देशों के बीच रेल सेवा बहाल होना है। नेपाली ब्रॉडगेज को 15 दिनों में भारतीय ब्रॉडगेज से तत्काल जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि भारतीय क्षेत्र से जाने वाली मेटेरियल मालगाड़ी के माध्यम से सीधे नेपाल जा सके। रवि सहाय, GM, इरकॉन।